अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आज का जो पेपर है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 9 कंप्यूटर का, वो बहुत अच्छा गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि जितने बच्चे ने पेपर दिया है उनके बहुत अच्छे पेपर्स गए होंगे, और जिन बच्चों के पेपर्स अच्छे नहीं गए होंगे कोई बात नहीं, आपके पास बेटा अभी बाकी और भी सब्जेक्ट्स के पेपर्स हैं, तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स आपके पास और हैं, तो आपने उससे तैयारी करनी है, इंशाल्लाह उसकी भरपूर तैयारी रखनी है। अगर इस पेपर में कोई नंबर्स कम आ जाएँ तो बाकी नंबर से अच्छे नंबर्स लाके आप उसको कवर कर सको, ठीक है। जो बोर्ड का पहला पेपर होता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन उसके बाद से सब कुछ सेट हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बेटा जो मैंने आपको गैस पेपर्स में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे क्लास 9 के, तो माशाल्लाह से अल्लाह का अलग अलग शुक्र है कि उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इस बोर्ड एग्जामिनेशन में आए। जो आपके बुक के अंदर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो बुक से ही आए, और साथ साथ गैस पेपर और मॉडल पेपर से बहुत कम, ना के बराबर मॉडल पेपर से चीज़ें आई हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपकी कहाँ से आई हैं बेटा? गैस पेपर से आई है, प्रैक्टिकल सेंटर आदम जी, और जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। और एक बंदा अगर उस तमाम क्वेश्चंस की तैयारी कर लेता तो बेटा आपके जो पेपर से जितने ऑप्शंस होते हैं, अगर आपके पास 10 सवाल होते हैं और 10 में से 6 सवाल करने होते हैं, आप 6 के 6 सवाल कर सकते थे, ठीक है, और लॉन्ग में भी 2 सवाल बआसानी अटैम्प कर सकते थे अगर आपने मेरे गैस पेपर से तैयारी की होगी तो, ठीक है। तो खैर, अब नेक्स्ट पेपर आपके पास कल मैट्रिक का पेपर है, कंप्यूटर का पेपर है, तो बेटा आपने क्या करना है, उसके लिए भी गैस पेपर जो क्वेश्चंस पेपर जो आपको प्रोवाइड किए गए उससे आपने तैयारी करनी है, और साथ साथ अपने बुक से भी तैयारी करनी है। देखिए, एमसीक्यूज बहुत आसान आए थे, कोई मुश्किल एमसीक्यूज इस दफा नहीं आए थे। उन तमाम एमसीक्यूज के जो कीज हैं बेटा, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, और मैं बताऊंगा कि आपने क्या वो ठीक तरीके से सॉल्व किया कि नहीं किया। वो एमसीक्यूज मैं आपको क्रैक करके बताऊंगा कि कौन से एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक हैं और क्रैक, वो आपके स्क्रीन में शो हो जाएंगे। अगर आपने बेटा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिल सकें और आपके पेपर्स बहुत अच्छे से जा सकें आगे के भी, ठीक है। क्योंकि अभी बायोलॉजी का पेपर रहता है और कंप्यूटर मैट्रिक का पेपर रहता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम के मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, इंशाल्लाह आपके पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलें आए स्क्रीन में हम देखते कि हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हमने किए हैं। अब आपके स्क्रीन में शो हो गया होगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के जो कंप्यूटर स्टडीज का पेपर था क्लास 9 का आज, उसके मैं एमसीक्यूज के कीज बता देता हूं कि आप के कीस क्या थे, ठीक हैं आपने लगाए कि गलत लगाए, एक एक करके इसको देखेंगे कि इसका क्यों होना चाहिए था ये और इसमें क्या चीज़ है। मैं एडिट में क्लिक करके फिर इसमें मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहला मेरे पास एमसीक्यूज क्या है बेटा, लिखा हुआ था डिवाइस डेट कन्वर्ट द सॉफ्ट कॉपी इनटू, किस में करना है, सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करना है हार्ड कॉपी में, तो बेटा वो किस तरह से होता है, वो प्रिंटर से होता है, प्रिंटर से हार्ड मतलब के सॉफ्ट कॉपी जो होता है वो हार्ड कॉपी मतलब के पेजेस में आ जाते हैं। फिर लिखा हुआ था सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वेबसाइट पब्लिक, मतलब आपको ना किसी आपके वेबसाइट है उसको आपको पब्लिक में होस्ट करना है, मतलब उसको लाइव करना है, तो वो किसके बदौलत से हो सकता है बेटा, वो वेब होस्टिंग के बदौलत हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास हैं, उसमें लिखा हुआ है मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर इज, मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा, इंटरटेनमेंट होता है बेटा। तमाम एमसीक्यूज आपके बुक के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होते हैं उससे ही आए हुए हैं बेटा, मैट्रिक क्लास के भी उसी से आप तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका आराम से हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है मॉडर्न लैंग्वेज यूज, मॉडर्न लैंग्वेज किस चीज़ का यूज़ होता है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, कन्वर्टर है, या फिर असेंबलर है, तो बेटा कंपाइलर इज अ मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मैं इसको दिखा सकूँ आपको। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा, सिंगल यूज़र होता है, मल्टी यूज़र होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है बेटा, सिंगल यूज़र होता है, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम डॉस भी कहते हैं। द कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। अ प्रोग्राम दैट इनेबल टू यूज टू इंटरेक्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटरफेस, जो मतलब कि ग्राफिक के जरिए ही से आप होते हैं ना, कहते हैं इंटरेक्ट होता है, आपका मोबाइल की ग्राफिक ज़्यादा अच्छे होंगे तो उसके हिसाब से ही आप बोल सकते हैं, इंटरफेस इज अ फ्रंट पेज ऑफ एनी डिवाइस, ठीक है। फिर लिखा है सॉफ्टवेयर दैट यूज टू फॉर अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए बेटा कौन सा यूज़ हो सकता है, जाहिर सी बात है एक्सेल यूज़ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, इसके आगे हमारे पास जो एमसीक्यूज है उसमें लिखा हुआ था फंक्शन विच इज़ यूज टू रीअरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया, तो मतलब हम सॉर्टिंग करते हैं, इसको अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग, ठीक है। इफ़ वी वांट टू चेंज द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ एम एस वर्ड
डॉक्यूमेंट वी शुड अप्लाई, क्या करेंगे अगर हमें पूरा डिज़ाइन को चेंज कर देना है? तो जाहिर से बातें थीम करेंगे, आप मोबाइल में भी थीम लगाते होंगे जिससे आपके पूरे मोबाइल का क्या हो जाता होगा, ओवरऑल आपका चेंज हो जाता होगा पूरा मोबाइल, ठीक है। एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर आर मोस्टली प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट, अगर होगा तभी वो प्रोटेक्टेड रहेगा, वरना उसको कोई भी चोरी कर सकता है। लिखा हुआ एम एस एक्सेस चार्ट आर बेसिकली यूज टू शो द डेटा ग्राफिकली, क्योंकि हम डेटा को ग्राफिकली भी यूज शो कर सकते हैं एम एस एक्सेल की मदद से। नेक्स्ट एम सी क्यूज लिखा हुआ बेटा कि वाइट मीडिया इज आल्सो कॉल अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज इज अ डी बी एम एस, इसमें से कौन सा है जो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑफिस पैकेज है? बेटा एम एस एक्सेस इज द ऑफिस पैकेज ऑफ डी बी एम एस, ठीक है, मतलब डेटा बेस कहते हैं कि उसके आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें हमारे पास क्या आ रहा है। इसके बाद बेटा हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट एमसीक्यूस आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है रिलेशनल डेटाबेस कीज आर यूज टू क्रिएट अ टेबल फील्ड रिकॉर्ड। बेटा रिलेशनल डेटाबेस से हम रिलेशनशिप ही बनाते हैं, ठीक है। चेंज द शेप ऑफ सिंगल बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड, बेटा डिस्टॉर्टेशन होता है, ये आपके एमसीक्यूस में भी मौजूद है, बल्कि तमाम एमसीक्यूस एक्सरसाइज से ही आए हैं तकरीबन। इसमें लिखा है कन्वर्टिंग द डिजिटल सिग्नल टू द एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन की मदद से ही आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, चेंज हो जाता है उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। द बोट टर्म दैट इन कंपासेस डिफरेंट हार्मफुल सॉफ्टवेयर, तो बेटा मेलवेयर के जरिए हो सकता है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एक मिनट इसको ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, द मेलवेयर दैट रिप्लीकेट इटसेल्फ एंड डजंट नीड To attach with any file is an worm, ठीक है, worm is the correct answer। इसके बाद लिखा हुआ है number of user that can access the resources simultaneously on the multi-user OS is called many time, मतलब multi-user में multi-time काम हो सकता है, इसलिए इसमें many लिखा हुआ है, ठीक है। In which operating system job are executed in group, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ग्रुप में काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, वेब ब्राउजर विल ट्रांसलेट द कोड इनटू द वेब पेज इफ द एक्सटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डॉट एच टी एम एल। एच टी एम एल के चैप्टर से आया हुआ है, एच टी एम एल होता है तभी आप क्या कर पाते हो, किसी भी उसको वो कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ और नीचे लेके जाता हूँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ है इन अ डेटाबेस टेबल द स्टूडेंट दैट एड्रेस स्टूडेंट विल बी एंटिटी, क्योंकि हम एंटिटी की मदद से ही कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और आखिरी ये बेटा, द टैग यूज टू ऑटोमेटिकली एड द लाइन स्पेस बिफोर अदर बिफोर एंड आफ्टर दैट कंटेनिंग द टैग्स इज पी होता है, ठीक है, पी टैग इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं बेटा क्या है हमारे पास सवालात, कौन कौन से जो गैस पेपर से दिए थे वो चीज़ें आई हैं बेटा। ये वाला मैंने पेपर में ऑलरेडी दिया हुआ था गैस पेपर में, CRT और FTD के बारे में बताया था बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर और इसके बारे में दिया था, GUI और SLI के बारे में बताया हुआ था, पेज लेआउट के बारे में बताया हुआ था, एक्यूरेसी के इम्पॉर्टेंस के बारे में भी आपको मैं दिया हुआ था, द इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट के बारे में भी दिया हुआ था बेटा, हाउ आर द इमेज डिस्प्ले द HTML ये भी दिया हुआ था, ठीक है। तकरीबन आप देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अपने गैस पेपर में दिया था। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मैंने पेपर में दिया हुआ था, डिफरेंस बिटवीन टेबल और व्यू शायद मैंने नहीं दिया था, द स्टेप दैट विल मल्टीप्लाई द 35 by 15 यूजिंग द फार्मूला बाय MS Excel, ये बहुत आसान है, ये आपको फार्मूला लगाना था, इसके क्वेश्चन दिए तो नहीं थे लेकिन मैंने लगाने का था, और मैंने क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने गैस पेपर में दिया हुआ था, तो देख रहे सारे ही पेपर से आए हुए हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज DBMS प्रेफर ओवरऑल द, ये भी आपके मैंने पेपर में दिया हुआ था, बेसिक कंपोनेंट तो लाजमी दिया हुआ था। उसके बाद क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेनेज ये भी देता है, मतलब तकरीबन मैं बोला था कि तकरीबन आपके 95% मेरे जो थे गैस पेपर उसके अंदर ये तमाम सवालात मौजूद थे, ठीक है। तो चलें आप फिर से आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन फौरन मिल सके। यकीनन आपको तमाम MCQs के ऑप्शंस मिल गए होंगे, जिन बच्चों ने पूरे मार्क्स हासिल किए MCQs में उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और जिन बच्चों ने MCQs में कुछ गलतियां हुई हैं कोई इशू की बात नहीं, उनके थ्योरी में नंबर्स आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी एक न्यू लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।